तो अगर आप सर्च करते हो अंडर 300 cc बाइक्स, तो सबसे ज़्यादा आपको प्रेफर और सबसे ज़्यादा यही दिखती है, निंजा 300। ओके, ये स्पेशल एडिशन है और ये ABS नहीं है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये 2018 मॉडल है या 17। ओके, अगर आपको पता हो तो कमेंट करिए। ओके, और ये स्पेशल एडिशन है, 3,10,000 ऑन रोड पड़ती है सूरत में। ओके, अब जो BS6 आई है और जो ABS आ गए हैं, तो उनमें हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन के कारण प्राइस ऊपर नीचे हुई हो, तो वो आप लोग देख लेना। लेट्स गो, अब हम इसको राइड करेंगे और मैं उसके साथ साथ आपको बताता हूँ कैसा इसका एक्सपीरियंस रहता है चलाने का। और अंडर 300 cc बहुत तारीफ़ होती है कावासाकी निंजा की। लेट्स गो, आज हम भी वो ट्राई करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इसीलिए थोड़ा पुराना लग भी रहा है, मतलब मॉडल पुराना है। वैसे गाड़ी तो काफ़ी ही अच्छी कंडीशन में रखी गई है। लाइट अगर देखो तो वो हैलोजन्स के ही, इंडिकेटर भी हैलोजन ही हैं। ओके, अब जो BS6 में थोड़े वो मॉडिफाई हो गए, LED और DRL सिस्टम मिलने लगे आपको। बाकी ओवरऑल गाड़ी तो एकदम चकाचक लग रही है। लेट्स गो, अब राइड करते हैं। ओके, पहले इसका स्टॉक साउंड है वो मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे स्टॉक है लेकिन काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। ओके, रेडी। ओके, कुछ पावर और इंजन स्पेक्स की अगर बात करें हम, तो 39 हॉर्स पावर तक निंजा 300 क्लेम्ड है, मतलब 39 हॉर्स पावर काफ़ी डिसेंट है। 300 cc बाइक है, 39 हॉर्स पावर दे रही है, बहुत अच्छा। यहाँ कॉन्टिनेंटल 650 जो है वो कुछ 47 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, तो 300 है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और एग्रेसिव लग रहा है। मतलब इसका चलाने का पोर्शन भी थोड़ा डिफरेंट ही है, मतलब जैसे स्पोर्ट्स बाइक में होती है। तो निंजा की 250 भी है और 300 फिर 400 ऐसे अप होते जा रहे हैं, लेकिन 300 जहाँ तक मैं चला रहा हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। ओके, टॉप स्पीड की बात करें तो 191 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड क्लेम की गई है। माइलेज भी बहुत अच्छा मिलता है। मैं कहता हूँ अगर कि आप ऐसा कॉलेज यूज़, मतलब आप कॉलेज जाना यूज़ करना है, ऑफिस के लिए यूज़ करना है, तो ये बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि अंडर प्राइस 3,10,000-20,000 में आपको ये मिल भी जा रही है। माइलेज भी काफ़ी डिसेंट है, 32 का कंपनी कही है, मैं तो बोल रहा हूँ 30 का देगी तो भी बेस्ट है हमारे लिए। ओके, और ऐसा भगाने के लिए सिटीज़ में मैं ज़्यादा देखिए राइडिंग कर रहा हूँ, और ऐसा आपको अगर आप एंथुजियास्ट हो, बाइक के शौकीन हो, तो आपको वहाँ भी काम आएगी। आप ऐसा डेली वर्क भी कर सकते हो, राइड भी लेनी है तो आप राइड भी बहुत अच्छे ले सकते हो। 191 टॉप स्पीड कोई छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छा है, तो चॉइस इज़ योर्स। बाकी और आप अगर अप लेवल होना है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग बिगनर हो तो बिल्कुल आप ऐसी कोई बाइक लो जो पहले हैंडल करने में थोड़ी सी आसानी हो, तो ज़्यादा समझ में आता है। फिर आप डायरेक्ट 6 cc, 600 cc या 900 cc, 1000 cc लेते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि प्रॉब्लम पड़े। ओके, तो राइड का बहुत फुल मज़ा मैं ले रहा हूँ और ये है भी बहुत ज़ोरदार। सो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब फॉर मोर। ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं था, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे कि ये बाइक कैसी है आप लोग की। ओके, बाय।